जम्मू कश्मीर से हटाएंगे AFSPA, सैनिक भी बुलाए जाएंगे वापस, अमित शाह ने किया बड़ा वादा। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। केंद्र सरकार की योजना है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा सिर्फ स्थानीय पुलिस को ही सौंपी जाए, वहां से सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA को वापस लेने पर विचार करेगी। शाह ने यह भी कहा कि सरकार की योजना केंद्र शासित प्रदेश में सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की है। उन्होंने कहा कि हमारी योजना सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले करने की है। पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन आज वे अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। विवादास्पद AFSPA पर गृह मंत्री ने कहा कि हम AFSPA हटाने के बारे में भी सोचेंगे। गृह मंत्री का ये ऐलान जम्मू कश्मीर के लिहाज से अहम है, क्योंकि वह लगातार मांग होती रही है कि AFSPA को हटाया जाए और आम शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में सेना की तैनाती ना रहे। क्या है AFSPA? AFSPA शांत क्षेत्रों में सक्रिय सशस्त्र बलों के कर्मियों को लोक व्यवस्था कायम रखने के लिए आवश्यकता होने पर तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और गोली चलाने की व्यापक शक्तियां देता है। शाह ने पहले कहा था कि पूर्वोत्तर राज्यों में 70% क्षेत्रों में AFSPA हटा दिया गया है, हालांकि ये जम्मू कश्मीर में लागू है। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों ने AFSPA हटाने की मांग की है। शाह ने कहा कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को स्थापित करना मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा है और इसे पूरा किया जाएगा। हालांकि यह लोकतंत्र केवल 3 परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा और लोगों का लोकतंत्र होगा। कश्मीर में जब आतंकवाद फैला तो अब्दुल्ला इंग्लैंड चले गए। शाह ने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस NC के नेता फारूक अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आरक्षण के प्रावधानों को लेकर कटुता पैदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोग अब उनके इरादों को समझ गए हैं। उन्होंने पूछा कि नेता ने पिछले 75 वर्षों में लोगों को आरक्षण क्यों नहीं दिया। गृह मंत्री ने दावा किया कि जब आतंकवाद चरम पर था तो अब्दुल्ला इंग्लैंड चले गए थे। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला और महबूबा दोनों को इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। शाह ने यह भी कहा कि बातचीत की प्रक्रिया में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कोई स्थान नहीं है। POK हमारा है, वहाँ के हिंदू और मुसलमान भी। इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK को भारत का अभिन्न अंग बताया। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि वहाँ रहने वाले मुस्लिम और हिंदू दोनों ही भारतीय हैं। JK मीडिया ग्रुप को दिए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि POK में रहने वाले मुस्लिम और हिंदू भाई भारतीय हैं। जिस जमीन पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है वे भारत की है, इसे वापस पाना हर भारतीय और हर कश्मीरी का लक्ष्य है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।